ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजा भैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बताते हैं इलेक्शन ब्रेकिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। राजा भैया पर प्रतापगढ़ में FIR दर्ज की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सपा एजेंट को मारने पीटने का आरोप लगा है। राजा भैया समेत 18 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, SC ST एक्ट समेत संगीन धाराओं में दर्ज हुआ FIR। सपा एजेंट राकेश पासी ने लगाया है आरोप। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजा भैया पर प्रतापगढ़ में दर्ज हुई FIR। सपा एजेंट को मारने पीटने का आरोप लगा है राजा भैया पर और उनके समर्थकों पर। राजा भैया समेत 18 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, राजा भैया पर प्रतापगढ़ में FIR दर्ज। सपा एजेंट को मारने पीटने का आरोप, राजा भैया और उनके समेत 18 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। राजा भैया पर प्रतापगढ़ में FIR दर्ज की गई है। सपा एजेंट को मारपीट का यह मामला सामने आ रहा है, राकेश पासी ने लगाया आरोप। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजा भैया समेत 18 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पोलिंग बूथ से जबरन ले जाने का आरोप भी लगा है। तो राजा भैया पर प्रतापगढ़ में यह FIR दर्ज। अजीत सिंह हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरह से राजा भैया पर FIR दर्ज हुई है, सपा एजेंट को मारपीट का मामला सामने आ रहा है, क्या वास्तविकता, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, ये रैयापुर के सपा एजेंट थे सुभाष पासी। तो हेलो जी, बिल्कुल, जिस तरीके से रैयापुर के सपा एजेंट ने आरोप लगाया कि राजा भैया और उनके समर्थकों ने जो है मारा पीटा, गाड़ी में भर के ले जाने की आरोप लगाया हुआ है। तो आरोप जरूर लग रहे हैं अजीत, लेकिन जिस तरह से मारपीट हुई है उसके बाद FIR दर्ज हुई है, किन धाराओं में मुकदमा लिखा गया और क्या अधिकारियों का कहना है इस पर? बिल्कुल, ST आयोग का जो मुकदमा राजा भैया और उनके समर्थकों पे लगा है, और मारने पीटने का आरोप और घर पे गाड़ी पे बैठा के ले जाने का आरोप लगा। राजा भैया समेत 18 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल, राजा भैया के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।